नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और इस वक्त आप लोगों के बीच में हाजिर है मौसम की अपडेट लेकर। हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है और आने वाले दिनों को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कुछ कहना है, ये जानकारी आपको रोजाना की तरह आज भी देंगे। और अभी फिलहाल प्रदेश में मौसम के बाद कैसी परिस्थितियां बनी हुई है, कहां कैसे हालात बने हुए हैं, इन सबसे भी आपको अवगत करवाएंगे कि हिमाचल प्रदेश में अभी बर्फबारी और बारिश के बाद कैसी स्थितियां बनी हुई है। रोजाना आपको जानकारी देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कैसे हालात बने हुए हैं और मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कुछ कहना है, ये सारी चीजें आपको रोजाना बताते हैं। लेकिन आज भी आपको फिर से यही चीजें बताएंगे कि किस तरह से मौसम अभी करवट बदलने वाला है। और अगर बात करें तो बीते दिनों ही मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 9 तारीख के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें बर्फबारी बारिश की संभावना जताई गई थी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम की करवट बदलने की बात की गई थी। तो अभी देखिए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मौसम चल रहा है, तो कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी बर्फबारी हो रही है, ये स्थितियां बनी हुई है। लेकिन अभी एक बार फिर से मौसम के खराब होने की बात की गई है, तो आज से मौसम खराब रहने वाला है। और आज सुबह से ही आप लोगों ने देखा होगा कि मौसम काफी ज्यादा खराब है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, हल्की धूप भी बीच बीच में निकल रही है, लेकिन जो मौसम है वो खराब बना हुआ है और बारिश बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। इसी के साथ बात करें तो यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कल से मौसम साफ रहने की बात की गई है 13 तारीख तक। और अगर बात करें हिमाचल के साथ साथ, तो हिमाचल में जिस तरह से बात की जाती है कि होली और शिवरात्रि के बाद ही मौसम साफ होता है, उसके बाद ही जो गर्मियां हैं वो आना शुरू होती है और जो ठंड है वो चली जाती है और मौसम जो इतना खराब नहीं रहता। तो फिलहाल अभी हम लोग भी यही देख रहे हैं कि मौसम जो है लगातार खराब होता जा रहा है बार बार। और जिस तरह से अलर्ट जारी किया जा रहा है मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा कि बर्फबारी होने वाली है, बारिश होने वाली है, तो इस बीच अभी तक जो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश हुई है, इसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जनजातीय इलाकों की बात करें या फिर दुर्गम क्षेत्रों की बात करें, तो सभी जगहों पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी हालात जो है सामान्य नहीं हुए हैं उच्च पर्वतीय इलाकों में, जहां लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मौसम के कारण। तो बर्फबारी जो है सड़कों से अच्छे से साफ नहीं हो पा रही है, यातायात बहाल नहीं हो पा रहा है, ये भी लोगों को समस्या आ रही है। तो अभी तक अगर बात करें तो कम से कम 290 के आसपास जो सड़कें हैं वो हिमाचल प्रदेश में अभी बंद पड़ी है, जहां पर यातायात बहाल नहीं हो पाया है, बिजली की आपूर्ति जो है बाधित पड़ी हुई है, ट्रांसफार्मर जो है काम नहीं कर पा रहे क्योंकि काफी सारे ट्रांसफार्मर जो है टूट गए हैं, जल गए हैं, और साथ ही साथ पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिस कारण लोगों को पेयजल संकट से भी परेशान होना पड़ रहा है। तो ये सारी स्थितियां इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। और 13 तारीख तक अब मौसम साफ रहने की बात की गई है, कल से 10 से 13 तारीख तक मौसम साफ रहने वाला है, लेकिन आज के लिए जो है मौसम खराब रहने की बात की गई थी, साथ ही साथ बारिश बर्फबारी का भी यहाँ पर संभावना जताई गई थी मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा। तो अभी फिलहाल मौसम किस तरह रहने वाला है, आगे किस तरह का रुख बदलेगा, ये रोजाना की तरह रोज आपको जानकारी देंगे कि हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर क्या कुछ संभावनाएं जो है मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जताई गई है। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो बीते समय में बर्फबारी हुई है उसके कारण क्या क्या समस्याएं हैं जो उत्पन्न हुई है और लोगों को इसकी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कहीं पर यातायात बहाल नहीं हुआ है तो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लोगों का कहना है कि सड़कें ना खुलने की वजह से काफी सारी दिक्कतें आ रही है, दूर दूर तक जो है काफी ज्यादा बर्फबारी में चलना पड़ रहा है जो मुश्किल हो जाता है। और कई बार जो ऐसी खबरें और ऐसे वीडियोज हमारे सामने आए हैं जहां पर मरीजों को गाँव के लोग जो है कंधों पर उठाकर जो है भारी बर्फबारी में चल रहे हैं, कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। साथ ही साथ सड़कों में बड़ी फिसलन के कारण गाड़ियां स्किड हो रही हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट जो है देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अगर बात करें भावा वैली के संपर्क मार्ग पर भी एक कार जो है खड्ड में जा गिरी जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। तो ऐसे ही जब पहली बर्फबारी हुई थी तब भी बहुत सारी जगहों पर गाड़ियों के स्किड होने के मामले सामने आए थे, जहां पर लोगों को इससे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं। अब बात करें तो कई जगहों पर लोग जो है लोक निर्माण विभाग की कार्रवाई से, पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्रवाई से परेशान है कि विभाग जो है अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर रहा है और रास्तों को बहाल नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों को समस्याएं आ रही हैं।
लेकिन अगर बात करें तो आपको जानकारी दे दें कि काफी सारे ठेकेदार हैं जो पीडब्ल्यूडी के, वो अभी अपनी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लोगों के ये सवाल रहते हैं और लोग काफी ज्यादा नाराज भी हैं लोक निर्माण विभाग की कार्रवाई से कि विभाग द्वारा अपना कार्य जो है सही से नहीं किया जा रहा है, केवल खाना पूर्ति की जा रही है कई जगहों पर। और कई जगहों पर लोगों के आरोप हैं कि विभाग जो है सड़कों को सही ढंग से साफ नहीं कर रहा है, वहां पर मिट्टी नहीं डाली जा रही है, उसके बाद जो सड़कों पे फिसलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इस तरह की सभी चीजें जो है देखने को मिल रही हैं। जनजातीय इलाकों के लोगों को काफी सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि पेयजल परियोजनाएं भी यहाँ पर ठप पड़ी हैं, पानी के संकट से भी उन्हें जूझना पड़ रहा है, साथ ही साथ बिजली की आपूर्ति बाधित पड़ी है, तो वो सभी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। और हमारे जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर 4 से 5 फीट तक बर्फबारी पड़ी है, बर्फबारी हुई है, तो इससे भी काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मौसम जो है फिर से करवट बदल रहा है, आज फिर से मौसम खराब बना हुआ है सुबह से ही, और कुछ एक जगहों पर जो है सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, लेकिन अभी मौसम की जो खराब रहने की बात की गई है, ऐसा लगता है दोपहर बाद फिर से बादल बरस सकते हैं। तो अभी हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है ये जानकारी आपको दी कि आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ कहना है विभाग का। और इसी के साथ अभी 13 तारीख तक तो मौसम साफ रहने की बात की गई है, देखते हैं कल से मौसम कैसा रहता है और आज कहाँ कहाँ बारिश बर्फबारी का आसार बनते हैं ये भी बताएंगे आपको। तो इसी के साथ चलिए बात करते हैं तापमान को लेकर कि न्यूनतम तापमान मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर कितना बना हुआ है। तो सबसे पहले राजधानी शिमला की बात करते हैं, तो शिमला में 3.2 तापमान बना हुआ है न्यूनतम तापमान, सुंदरनगर का 5.4, भुंतर का 7.1 है, कल्पा का -2.6 है, धर्मशाला का 7.4, ऊना का 10.0, नाहन का 9.2, केलाओं का -7.6 है और पालमपुर का 6.0, सोलन का 5.2, मनाली का 2.0, कांगड़ा का 7.2, मंडी का 7.1, बिलासपुर 6.5, हमीरपुर 6.0, चंबा 6.9, डलहौजी 0.8 और कुफरी 6.3, पांवटा साहिब 11.3। तो बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य रहा है और औसत न्यूनतम तापमान भी सामान्य रहा है और आज का सबसे कम तापमान जो है लगातार शुरुआती दौर से ही केलांग का चल रहा है -7.6। तो जो हमारे सबसे ठंडे इलाके हैं जनजातीय इलाके, उनके बारे में भी आपको जानकारी दी कि वहां पर अभी लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बर्फ की वजह से। लेकिन अगर बात करें बर्फबारी के बाद कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबारियों के लिए ये बेहद अच्छा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की तरफ काफी तादाद में जो है पर्यटक पहुंच रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए और वहां पर आ रही हैं, तो जिस वजह से पर्यटन कारोबारियों को कहीं ना कहीं पंख लग रहे हैं बर्फबारी होने की वजह से, क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है तो दूर दूर के राज्यों से लोग जो हैं, बाहरी लोग जो हैं, हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, जिसके कारण जो है हमारे पर्यटन कारोबारियों को लाभ पहुंचता है। इसी बीच अभी शिमला की बात करें या फिर मनाली की बात करें, चंबा की बात करें, डलहौजी के लिए, तो काफी ज्यादा तादाद में पर्यटक जो है हिमाचल प्रदेश की तरफ आ रहे हैं और अभी तापमान जो है सामान्य बना हुआ है, बीते 24 घंटों से ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई है, लेकिन अभी मौसम खराब है तो अब कल तक मौसम के साथ तापमान कैसा रहता है ये जानकारी आपको कल देंगे। और आज के लिए मौसम अपडेट में इतना ही, कहाँ कैसे हालात बने हुए हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों को लेकर मौसम को लेकर क्या संभावना है मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जताई गई है ये सारी जानकारी आपको दी। इसी तरह रोजाना आपको मौसम की अपडेट देंगे रोजाना 11 बजे, तो लाइव टाइम्स टीवी पर देखते रहिए हिमाचल प्रदेश का घटनासार और अपने जिले का घटनासार, क्या कुछ घटित हो रहा है पूरा दिन में, देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी आपके साथ। मैं हूँ वर्षा, धन्यवाद।